Hello everyone, in this lecture we will be covering the topic of bell desk, a subsection in the front office department. See, bell desk is an extended arm of the front desk. बहुत सारी ऐसी activities हैं जो guest के arrival के time पे, guest के hotel में check-in के time पे, जब guest hotel में stay कर रहा होता है उस वक्त और guest के check-out के time पे परफॉर्म की जाती हैं बेल डेस्क के द्वारा. सो बेल डेस्क इज ए सब सेक्शन इन ए फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट. सबसे पहले बात करते हैं बेल डेस्क की लोकेशन की, कि बेल डेस्क सिचुएटेड कहाँ होता है. सी, व्हेन यू एंटर इन द होटल द फर्स्ट थिंग यू एनकाउंटर इज द सिक्योरिटी. आफ्टर सिक्योरिटी देयर इज बेल डेस्क. बिकॉज बेल डेस्क की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गेस्ट की लगेज हैंडलिंग भी है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट थिंग व्हेन ए गेस्ट एंटर्स इनटू द होटल एज ए जेस्चर ऑफ सर्विस द फ्रंट ऑफिस बेल डेस्क स्टाफ हैंडल्स द गेस्ट लगेज, रिसीव्स द लगेज फ्रॉम द गेस्ट. Maybe the guest has come from a flight, from a long distance, after a hectic day. So, as a good gesture, the bell desk staff, whom we call bell boys or bell captain, they handle the luggage of the guest. So, the bell desk is located in the lobby, so that easy luggage handling and easy help to the guest can be provided. Now let us discuss the functions of bell desk point wise. सबसे पहले जैसे कि हमने discuss किया कि luggage handling एक important काम है bell desk staff का. कब luggage handle किया जाता है? Guest के arrival पे, guest को room change करने में help करने के time पे, और at the time of departure और checkout of the guest. जब guest hotel में check-in करते हैं, arrival करते हैं, उस time पे जब bell boy गेस्ट के लगेज को उनके रूम में लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अप बेल एक्टिविटी. और चेकआउट के टाइम पे जब गेस्ट का लगेज फ्रंट ऑफिस के पास लेके आया जाता है, उसको हम बोलते हैं डाउन बेल एक्टिविटी. सो दैट गेस्ट कैन पे देयर बिल्स एंड इट इज़ इजी फॉर देयर देम टू कैरी देयर लगेज एंड चेकआउट. सेकेंड एक्टिविटी, आज से कुछ साल पहले जब टेली कम्युनिकेशन इतना डेवलप नहीं हुआ था, देर वर नो फोन्स और मोबाइल फोन्स, सो देर वाज अ सिस्टम ऑफ पेजिंग. क्या होता है, कई बार गेस्ट अपने रूम में नहीं होता, बट उनको कोई विजिटर मिलने आता है, या उनका कोई फ़ोन कॉल होता है, या उनका कोई मेल है, उनका कोई पोस्ट है जिसके ऊपर उनके सिग्नेचर रिक्वायर्ड है. सो गेस्ट कैन बी इन बार, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, लॉबी और लॉन्ज एरिया. तो क्या होता था, जो बेल बॉय होता था वो एक पेज पे गेस्ट का नेम और रूम नंबर लिख के गेस्ट को लोकेट करने की कोशिश करता था. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, पेजिंग. दिस इज नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द बेल बॉयज और द बेल डेस्क इज द कलेक्शन ऑफ रूम कीज एट द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ द गेस्ट. जब गेस्ट होटल में चेक इन करता है तो गेस्ट को रूम असाइन किया जाता है, उनको एक की कार्ड प्रोवाइड किया जाता है. वो की कार्ड एट द टाइम ऑफ चेकआउट, जब गेस्ट होटल से चेकआउट करे तो गेस्ट से रिसीव करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेल डेस्क एम्प्लॉयज़ की. कई बार क्या होता है, जो गेस्ट है वो अपनी रूम की रूम में ही भूल जाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे एक्स्ट्रा कीज़ जो रूम्स में पड़ी हैं, जिनको गेस्ट भूल गया था, उन कीज़ को कलेक्ट करना और उन कीज़ को वापस फ्रंट ऑफिस स्टाफ को देना, वो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेल डेस्क एम्प्लॉय की. इसके अलावा कुछ छोटे मोटे काम या मिसलेनियस जॉब्स हैं जो डेली बेसिस पे बेल डेस्क के एम्प्लॉयज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मेल है तो पोस्टेज स्टैम्प हैंडलिंग, गेस्ट ने कुछ बाहर भेजना है, किसी को कुछ पार्सल करना है, तो वो चीज़ डिलीवर करते हैं. गेस्ट के छोटे मोटे काम, मेडिसिन लेके आना, गेस्ट के लिए कोई चीज़ जो होटल में अवेलेबल नहीं है वो चीज़ गेस्ट के लिए लेके आना, सिनेमा टिकट्स बाय करना, मूवी और अदर टिकट्स बाय करना, गेस्ट के ट्रैवल अरेंजमेंट्स के लिए टिकट्स बाय करना,
एक्सेट्रा. दीज आर द एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म की जाती हैं बेल डेस्क एम्प्लॉयज़ के द्वारा. उसके अलावा होटल को एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है फॉरेन गेस्ट्स का, जिसको हम बोलते हैं सी फॉर्म्स. ये सी फॉर्म्स सबमिट करवाने होते हैं FRRO पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे फॉरेनर गेस्ट का सारा डाटा जो होता है उसको सेफ एंड सिक्योर मैनर में रखा जाता है, सो दैट अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो देन दैट फॉरेन गेस्ट कैन बी क्वेश्चन्ड. तो ये काम भी बेल डेस्क करने में हेल्प करते हैं. सो दीज वर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द बेल डेस्क. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द वेरियस प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स दैट आर मेंटेन्ड बाय द बेल डेस्क.